हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है, 3 बज गए हैं और लंच का टाइम है। लंच करते हैं अभी। लंच क्या नहीं, क्योंकि कल घूम फिर के आए थे, थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हो गई थी क्योंकि काफ़ी देर से निकले हुए थे और हमें ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि बर्फ़ होगी, पर बर्फ़ भी दिख गई थी। तो बर्फ़ के साथ थोड़ा स्नो फाइट और ऐसी भारी स्नो फाइट हुई कि कहने की हद नहीं। वो तो आपने पिछले वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा। अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देखें। और अभी यार कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉलेज भी अब बंद हो गए हैं। उन्होंने बोला है इमरजेंसी है तो आई तो ही आओ कॉलेज, और बाहर घूमने याद लग गई थी तो आज तो चला गया था। और अब से कॉलेज नहीं जाएंगे, सिर्फ जिम ही हो पाएगा। और अभी 1-2 दिन में दिल्ली भी जाना है, तो जब जाएंगे दिल्ली तब आपको वो भी दिखा देंगे किस रीज़न से जा रहे हैं दिल्ली। बाकी अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लंच करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं शाम को जिम जाते वक्त। अभी एक ही बारी वर्कआउट कर लूँ सारा, क्योंकि फिर दिल्ली जाके तो वर्कआउट हो नहीं पाएगा। वहाँ पर तो खाना पीना ओवर ईटिंग वगैरह सब कुछ होगी। और कोरोना में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जाना ज़रूरी है कुछ। तो यार जिम का टाइम हो चुका है और जिम के लिए निकल रहे हैं, और शमी को बुला दिया है तो चलते चलते आपसे बात कर लेते हैं। टाइम हो गया 7 बज गया, आज काफ़ी देर हो गई है। शमी को बुलाया है, आ रहा है, कह रहा 10 मिनट में आ रहा हूँ। आज साले को वार्निंग दे रखी आखिरी मैंने, पर टाइम पे नहीं आया है ना। कल गया था ना मेरे साथ घूमने, जैसे कि आपने व्लॉग्स में देखा होगा। अगर आपने वाला व्लॉग नहीं देखा तो एक बार ही चैनल में जाके देखो, वो वाला व्लॉग में इसकी सारी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची थी ना मैंने। तो इसलिए कह रहा था भाई कोई भी फ़ोटो डिलीट मत मारियो, फ़ोटो डिलीट मत मारियो। अब मैं डिलीट मार देता हूँ क्योंकि मेरा स्टोरेज वगैरह भर जाता है। तो कहता कि भाई डिलीट मत मारियो कोई भी फ़ोटो। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं मारूंगा डिलीट, तेरी बात मैंने मान ली, तू भी मेरी बात मान और आ जा टाइम से। अब टाइम से आता है नहीं वैसे भी ये, तो मैंने कहा सोचा आधा रास्ता कवर ही कर लेता हूँ चल चल के, आधे रास्ते में उससे मिल जाऊँगा। और मास्क पहनना ज़रूरी है क्योंकि, और यार मास्क पहनना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आपकी सेफ्टी अपने हाथ पे ही है। और मैं जिम छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं डेली जिम जाता हूँ, तो इसलिए मेरे से जिम छोड़ा नहीं जाता। तो फिर मेरे को क्या ही कर सकते। और मैं अपनी सेफ्टी से जाता हूँ, अपनी सारी सेफली सैनिटाइज वगैरह करके तब वर्कआउट करता हूँ। अरे यार ये भाप जम जाती है, एक तो चश्मे का ही पंगा है, मास्क नाक में चढ़ता तो मुँह में भाप जम जाती है। शमी का वेट चल रहा है, कहीं पर कम भी होगी लाइट और कहीं कहीं ज़्यादा भी होगी, क्योंकि अब हर जगह तो नहीं मेरे कैमरे के हिसाब से लोग लाइट फिट कर सकते ना, कॉलोनी में तो अपने हिसाब से लगी होती है। तो आज जो वर्कआउट होगा वो बेसिकली, एक तो ये भाप इतनी जम रही है, अभी कोई है भी नहीं आसपास, तो मास्क में नीचे कर सकता हूँ क्योंकि इस टाइम तक कॉलोनी में इतनी भीड़ नहीं होती है, लोग अंदर हो जाते हैं अपने घर में ठंड में। गर्मियों में तो घूमते रहते हैं इतनी देर तक भी, पर सर्दियों में सब अंदर खिसक लेते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है घूमने का, मतलब जैसे आप रात को घूमते हो सो जो देखो लाइट कम हो गई, मैं दिख नहीं रहा, दिख रहा, हाँ दिख रहा हूँ। तो सो जो आज वर्कआउट होगा वो बेसिकली पुश एंड पुल के हिसाब से होगा। पहले मैं जो वर्कआउट करता था वो सिंगल बॉडी पार्ट वर्कआउट करता था, एक दिन चेस्ट मारी तो एक दिन चेस्ट ही होगी। और आज से जो वर्कआउट स्टार्ट होने वाला है वो वर्कआउट होगा चेस्ट एंड ट्राइसेप।
वर्कआउट हो चुका है ख़त्म और घर आ चुके हैं। चेस्ट और ट्राइसेप हमारा ये सिर्फ इस वीक चलाएंगे वर्कआउट, क्योंकि मेरे को दिल्ली जाना है 2-3 दिन में, तो वर्कआउट वहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अभी ये वाला शेड्यूल चल रहा है इस वीक। अगले वीक से फिर सिंगल बॉडी पार्ट ही स्टार्ट हो जाएगा, और कल है बैक और बाइसेप, वो आपको कल के ब्लॉग में बता देंगे। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको मिलते हैं कल के ब्लॉग में। और मास्क पहन के रखो, मैं बोलता था ना मास्क पहन के रखो, मैं पता क्यों बोलता था, क्योंकि उसमें है 500 रुपये का चलान मास्क में, इसलिए बोलता था मैं। देखा देखा।